अंबाला कैंट नगर परिषद में कार्यरत महिला होमगार्ड कर्मचारी के साथ ठेकेदार ने बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। दरअसल महिला कर्मचारी को नगर परिषद के ईओ की तरफ से आदेश था कि कोई भी आए तो उनके वाहन पार्किंग में सही तरीके से लगाए जाएं। उसी पर अमल करते हुए महिला कर्मचारी सभी के वाहनों को पार्किंग में लगवा रही थी। इसी दौरान ठेकेदार आया और जब उसको वाहन पार्किंग में लगाने के लिए कहा गया तो वो अपना आपा खो बैठा और उसने महिला कर्मचारी के साथ बदसलूकी की और गाली गलौज किया, जिसकी सूचना महिला कर्मचारी ने अपनी आला अधिकारियों को दी, जो मौके पर पहुंचे और एक शिकायत पत्र नगर परिषद के ईओ को दिया गया, जिस पर ईओ विनोद नेहरा ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मैं सोनिया सैनी, स्वयं सेवक, नगर परिषद में ड्यूटी पर तैनात थी। ईओ सर के आदेशानुसार ये थे कि सभी व्हीकल ईओ ऑफिस के आगे नहीं आएंगे और पार्किंग में लगाए जाए। तो हमारे सभी जवान मूवमेंट फिर चले गए और उसके बाद सभी पब्लिक सही ढंग से पार्किंग में व्हीकल लगा रही थी। तो उसके बाद एक ठेकेदार नगर परिषद में, जो ठेकेदार है आशु गुप्ता, आए और मैंने उनको हाथ दिया और मैंने बोला सर ये बाइक पार्किंग में लगाइए, ईओ सर के आदेश हैं। तो उन्होंने मेरे से गाली गलौज की और हमारे सभी जवानों से के बारे में गलत उनको बोला कि ये सारे सभी होमगार्ड के जवान अनपढ़ गवार हैं। और फिर मैंने उसकी कंप्लेंट ईओ सर को दी और फिर एक्शन ले। अपने अधिकारियों को भी बता दिया इस बारे में? हाँ जी, अपने अधिकारियों को पहले बुलाया, फिर बताने के बाद फिर ईओ सर को। ईओ साहब ने क्या कहा आपकी कंप्लेंट के देने के बाद? उन्होंने बोला एक्शन लेंगे। ठीक है, बस शिकायत आई है मेरे पास, ये अभी अभी शिकायत आई है, ठीक है, रिटर्न में ही इसने मेरे को दिया है कि अब मैं इसकी तहकीकात करूँगा कि क्या हुआ था इसके रिगार्डिंग। ये एक होमगार्ड की हमारी एम्प्लॉय है जो हमारे गेट पे और हमारी पार्किंग व्यवस्था को देखती है, ठीक है, उसकी ड्यूटी उस स्थान पे लगी हुई है। अब ये आशु ठेकेदार कौन है पर्सनली मैं इसको नहीं जानता हूँ, ठीक है, मैं अपने इंजीनियरिंग विंग से इसके बारे में तहकीकात करके और उसके अंदर ये क्या हुआ था, क्या मैटर है, इन जो हमारी ये एम्प्लॉय इससे भी हम बात करते हैं फिर इसको जो इस महिला से अभद्र भाषा प्रयोग की गई है तो कैसे? अभी मैंने कहा ना कि इसके बारे में मैं तहकीकात करूँगा कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, क्या ऐसा कुछ वास्तव में हुआ है या किसकी तरफ से क्या गलती रही है। अगर जो भी दोषी होगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो चाहे और कोई हो, तो डेफिनेटली उसके खिलाफ। परिषद में होमगार्ड स्टाफ की भी कुछ कमी है इसके लगे ऐसा हुआ है? नहीं, मैं नहीं समझता कि स्टाफ की, वो तो तहकीकात के बाद ही मैं बता पाऊंगा इस चीज़ के लिए कि कोई कमी किसकी तरफ से रही है या नहीं रही है इस चीज़ के लिए। उनका होमगार्ड का तो जो काम उनको दिया गया था कि यहाँ पे डेकोरम व्यवस्था ठीक रखने के लिए, ठीक है, पब्लिकली नरमाई से भाई जो भी पब्लिक मैन हमारे यहाँ आते हैं, ठीक है, उनके भाई जो व्हीकल्स वगैरह हैं उनको प्रॉपरली मेंटेन करें, कोई पर्सन ऐसा कोई शरारती तत्व तो कोई ऑफिस में कोई ना आए, ये सब लुक आफ्टर करने के लिए उनको रखा गया है, ठीक है। तो अब ये देखना है कि तहकीकात करने के बाद भाई क्या वास्तव में क्या हुआ था। सर कार्रवाई क्या बनती है नगर परिषद के एक्ट के अकॉर्डिंग? ऐसा कोई एक्ट में कोई वो प्रोविजन नहीं होता, लेकिन ये एक ह्यूमन बींग्स हैं कि अगर महिला से अगर कोई महिला कर्मचारी या महिला कोई भी अगर कोई व्यवहार करता है तो मेरे ख्याल से उसको बख्शना नहीं चाहिए, ठीक है, पर उसके बारे उसके तथ्य जुटाने जरूर चाहिए कि क्या। अर्थ प्रकाश के लिए अंबाला कैंट से मंजीत कौर की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।